आज की कहानी का शीर्षक है जो चाहोगे सो पाओगे। एक साधु घाट किनारे अपना डेरा डाले हुए था। वहाँ वह धुनी रमाकर दिन भर बैठा रहता और बीच बीच में ऊंची आवाज़ से चिल्लाता, जो चाहोगे सो पाओगे। उस रास्ते से गुजरने वाले लोग उसे पागल समझते थे। वे उनकी बात सुनकर अनसुना कर देते और जो सुनते वो उस पर हंसते थे। एक दिन एक बेरोज़गार युवक उस रास्ते से गुजर रहा था। साधु के चिल्लाने की आवाज़ उसके कानों में भी पड़ी, जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। यह वाक्य सुनकर युवक साधु के पास गया और उसने पूछा, बाबा आप बहुत देर से जो चाहोगे सो पाओगे चिल्ला रहे हो, क्या आप सच में मुझे वो दे सकते हो जो मैं पाना चाहता हूँ? साधु बोला, हाँ बेटा, लेकिन पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम पाना क्या चाहते हो। बाबा मैं चाहता हूँ कि एक दिन मैं हीरो का बहुत बड़ा व्यापारी बनूँ, क्या आप मेरी इच्छा पूरी कर सकते हैं? युवा बोला, बिल्कुल बेटा, मैं तुम्हें एक हीरा और एक मोती देता हूँ, उससे तुम जितना चाहे हीरे मोती बना लेना। साधु बोला, साधु की बात सुनकर युवक की आंखों में आशा की ज्योति चमक उठी। फिर साधु ने उसे दोनों हथेली आगे बढ़ाने को कहा। युवक ने अपनी हथेलियाँ साधु के सामने रख दी। साधु ने पहले उसकी एक हथेली पर अपना हाथ रखा और बोला, बेटा इस दुनिया की सबसे अनमोल हीरा है, इसे समय कहते हैं, इसे जोर से अपनी मुट्ठी में झगड़ लो, इसके द्वारा तुम जितना चाहोगे उतने हीरे बना सकते हो, इसे कभी अपने हाथ से निकलने मत देना। फिर साधु ने अपना दूसरा हाथ युवक की दूसरी हथेली पर रखकर कहा, बेटा ये दुनिया की सबसे कीमती मोती है, इसे धैर्य कहते हैं, जब किसी कार्य में समय लगने के बाद भी वांछित परिणाम प्राप्त ना हो इस धैर्य नामक मोती को धारण कर लेना। यदि यह मोती तुम्हारे पास है तो तुम दुनिया में जो चाहोगे वो हासिल कर सकते हो। युवक ने ध्यान से साधु की बात सुनी और उन्हें धन्यवाद कर वहाँ से चल पड़ा। उसे सफलता प्राप्ति के दो गुरु मंत्र मिल गए थे। उसने निश्चय किया कि वह कभी भी समय व्यर्थ नहीं गवाएगा और सदा धैर्य से काम लेगा। कुछ समय बाद उसने हीरे के एक बड़े व्यापारी के यहाँ काम करना प्रारंभ किया। कुछ वर्षों तक वह दिल लगाकर व्यवसाय में हर गुण सीखता रहा और एक दिन अपनी मेहनत और लगन से अपना सपना साकार करते हुए हीरो का बहुत बड़ा व्यापारी बना। सीख: लक्ष्य प्राप्ति के लिए सदा समय और धैर्य नाम के दो हीरे मोती अपने साथ रखें। अपना समय कभी व्यर्थ ना जाने दें, ना कठिन समय में धैर्य का दामन छोड़ें, सफलता अवश्य प्राप्त होगी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।